Hello everyone, this is your Amit sir and I welcome you all in English class. Today I will start the second part of The Sound of Music, the second chapter of the book Beehive. This part is about a very famous Indian classical shehnai player, Ustad Bismillah Khan. Bismillah Khan is not the man of words, इनको शब्दों में समझाने की ज़रूरत नहीं है और जिन लोगों ने इन्हें एक्सपीरियंस किया है उनको इनके बारे में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट नो वॉट इज़ गिवन इन द चैप्टर एंड वॉट इज़ गिवन इन दिस सेकेंड पार्ट विच इज शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां. स्टूडेंट्स जस्ट टेक अ लुक ऑफ द लाइफ ऑफ बिस्मिल्ला खां. उस्ताद बिस्मिल्ला खां often referred by the title Ustad was an Indian musician created with popularizing the shehnai. इन्होंने शहनाई को popularize किया. शहनाई is a reeded woodwind instrument. फूंक कर बजाया जाने वाला, it's a reeded instrument. Khan sahab was born on 21st March 1916 in Dumrao and died on 21st August 2006 at Heritage Hospital, Varanasi. Okay? And he played only one instrument and he justified that instrument, that is Shehnai. इन्होंने Shehnai को एक world level पे famous बना दिया. He was awarded with Bharat Ratna, Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan and so many awards. Even इनके नाम पर तेहरान में एक ऑडिटोरियम भी है, तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्ला खां ऑडिटोरियम. सो इट्स अ वेरी बिग मोमेंट ऑफ प्राइड दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट समवन हु इज इंडियन and who made himself so popular at the level of world. So we are starting the summary, Shehnai of Bismillah Khan. The story, the article starts with the instrument Pungi. Pungi is a musical instrument was banned by Emperor Aurangzeb because of its unpleasant sound. Pungi, बीन को बैन कर दिया औरंगजेब ने बिकॉज ऑफ अनप्लीजेंट साउंड. इट वॉज इम्प्रोवाइज्ड, द पुंगी वॉज इम्प्रोवाइज्ड एंड इम्प्रूव्ड बाय अ फैमिली ऑफ बार्बर. एक बार्बर के फैमिली ने इसको इम्प्रूव किया एंड द टोनल क्वालिटी एंड द साउंड क्वालिटी वॉज इम्प्रूव्ड बाय द बार्बर फैमिली. और बार्बर को हिंदी में नाई कहा जाता है. And it was first played in front of the king. इसको पहली बार king के सामने play किया गया. Improved Pungi को. Pungi जो improve किया गया, उसकी tonal quality को improve किया गया. It was first played in front of king, Mughal king. और Mughal king को शाह कहा जाता है. And then the name was derived Shahnai. शाह, the king, नाई. नाई मीन्स नाई ने एक पुंगी इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रूव करके सुनने लायक बना दिया, म्यूजिकल बना दिया. एंड दैट्स वाई द न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज गिवन द नेम शहनाई. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ शहनाई. दिस इज शहनाई. द साउंड ऑफ शहनाई बिगन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. And this sound of Shehnai is become the inseparable part of Indian wedding. भारतीय शादियों का यह एक inseparable part बन गया. And Bismillah Khan took this Shehnai from the local level to international level, from the classical stage to international performance level. Bismillah Khan was born on 21st March 1916 at Dumrao, Bihar. Bihar ka ek gaon hai Dumrao. His father and grandfather, everyone
वर शहनाई प्लेयर, सभी कोई शहनाई प्लेयर थे। बिस्मिल्ला खान बिगन टू शो हिज इंटरेस्ट इन म्यूजिक व्हेन ही वाज जस्ट 5 ईयर्स ओल्ड। जब वो 5 साल के थे ना, तब से ही वो शहनाई के तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। एज अ यंग चाइल्ड ही वुड रेगुलरली गो टू बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता। ही वॉच्ड हिज मैटरनल अंकल्स प्रैक्टिसाइजिंग द शहनाई विद ग्रेट फैसिनेशन। इनके मैटरनल अंकल्स जो थे वो शहनाई बजाते थे विद ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड फैसिनेशन, एंड दिस बॉय वॉज सो फैसिनेटेड टू सी हिज अंकल्स परफॉर्मेंसेस। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रिवर गंगा एंड द डिफरेंट टेम्पल्स बिसाइड द रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे जो भी टेम्पल थे, इन सारे टेम्पल से यह लड़का मीन्स शहन बिस्मिल्ला खां वॉज वेरी फैसिनेटेड, एंड ही ऑफ्टन विजिटेड डिफरेंट टेम्पल्स एंड प्लेड शहनाई इन दोज टेम्पल्स। मीन्स दिस पर्सन इज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अ रियल इंडियन पर्सन। बींग अ मुस्लिम बॉय ही वॉज नेवर बी स्टॉप्ड टू प्ले शहनाई इन द हिंदू टेम्पल। बिस्मिल्ला खां ग्रीटेड द नेशन मीन्स आवर इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, विथ हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। इन 1947 वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द इंग्लिश पीपल, एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन द फ्लैग वॉज बींग होस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ही ग्रीटेड द नेशन। उन्होंने शहनाई बजा करके देश का स्वागत किया। और आज भी आप अगर 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन अगर आप टीवी पे देख रहे हो तो वहाँ पे आपको हल्की हल्की शहनाई सुनाई देगी बैकग्राउंड में। हिज परफॉर्मेंसेज बिकम मेमोरेबल एंड देन ही स्टार्टेड टू मेक हिज करियर इन द फील्ड ऑफ शहनाई। He won so many national and international awards. He became the first Indian to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in United States of America. इन्होंने अमेरिका में भी परफॉर्मेंसेस दी। He also took a part World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in Osaka Trade Fair. Cannes में आर्ट फेस्टिवल होता है हर साल, ओसाका में ट्रेड फेयर होता है, मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी इन्होंने परफॉर्मेंसेस दिया। द नेशनल अवार्ड्स कन्फर्ड ऑन हिम इंक्लूड द पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। इन्होंने भारत के लगभग सभी तरह के अवार्ड रिसीव किए विथ सो रिस्पेक्ट। इनको इंडिया का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी मिला। बिस्मिल्ला खान लव्ड हिज कंट्री डीपली। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर ये अमेरिका में है तो इंडिया की कंट्री के साइड की ओर, सपोज अगर अमेरिका से इंडिया जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते समय ये पहले ईस्ट की ओर घूमते थे और एक छोटा नोट बजाने के बाद, शहनाई से नोट निकाल देने के बाद, उसके बाद फिर वो ऑडियंस की ओर घूम करके बैठ करके शहनाई प्ले करते थे। एंड दिस शोज द ग्रेट लव in the heart of Bismillah Khan for India. He was very fond of Dumrao and Banaras. Inko Dumrao aur Banaras se bhi bahut prem tha. He can't imagine himself without India and Dumrao and Banaras. Ganga was there and he loved Ganga river so much. He also got huge success in celluloid world also. Celluloid world means students, the world of Indian cinema. इनका compose किया हुआ 2 movie भी publish हुआ, release हुआ, and इनका the very famous movie is गूंज उठी शहनाई. गूंज उठी शहनाई, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे ये, एंड एक सॉन्ग गूंज उठी शहनाई का पूरे देश में लोगों के दिमाग पर चढ़ कर नाचा, एंड द सॉन्ग वॉज दिल का खिलौना है टूट गया। वेरी फेमस सॉन्ग, आप यूट्यूब पे सर्च करके इसको देख सकते हो,
दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया है। ओके, लाइक दिस वे द सॉन्ग इज देयर। यू कैन फाइंड दिस सॉन्ग ऑन यूट्यूब ऑल्सो। एंड दिस सॉन्ग बिकम द नेशन वाइड रिकॉर्ड ब्रेकर। बट वर्किंग इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सिनेमा में काम करने के लिए यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द लिमिटेड कंडीशंस, एंड दिस पर्सन उस्ताद बिस्मिल्ला खान कांट बाइंड हिमसेल्फ इन सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये खुद को लिमिट नहीं कर सकते थे, एंड दैट्स वाई ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। उन्होंने सिनेमा की दुनिया को ही छोड़ दिया। ओके, सो स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर द थीम्स ऑफ दिस चैप्टर? सो टू हाइलाइटेड थीम्स आर देयर। द फर्स्ट थीम इज पैशन, कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज डुमराव एंड वेरी स्मॉल स्टेट बिहार। ही मेड द होल वर्ल्ड मैड आफ्टर हिम। अपने पीछे उन्होंने पूरी दुनिया को पागल बना दिया। एंड ही वॉज सो पॉपुलर इन द अब्रॉड एज वेल एज इन इंडिया। खान्स अचीवमेंट इज नॉट लिमिटेड ओनली इन इंडिया, एंड दिस बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिज पैशन। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट समथिंग स्पेशल इन हिज लाइफ, समथिंग रिमार्केबल इन हिज लाइफ, एंड दिस पैशन हैज मेड हिम सो पॉपुलर, सो सेलिब्रेटेड पर्सन। एंड द सेकेंड थिंग इज पैट्रियोटिज्म। द हाईलाइटेड थीम ऑफ दिस स्टोरी इज पैट्रियोटिज्म ऑल्सो। इनके कैरेक्टर से पैट्रियोटिज्म आता है, सेकुलरिज्म आता है। इन्होंने कभी रिलीजियस डिस्प्यूट में खुद को नहीं रखा। दिस पर्सन इज रिगार्डेड बाय मुस्लिम्स एंड बाय हिंदू इन द सेम अमाउंट। सो द कैरेक्टर ऑफ बिस्मिल्ला खान इज आइडियल कैरेक्टर टू एक्सेप्ट बाय ऑल इंडियंस, एंड इट इज़ द डिमांड। ये आज के समय का डिमांड है कि हम लोग बिस्मिल्ला खान के कैरेक्टर की तौर पर जो है अपनाएं। ये इंसान पांचों वक्त के नमाज भी पढ़ते थे, साथ ही उतनी ही शिद्दत से काशी विश्वनाथ टेम्पल की पूजा भी करते थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑल थिंग फ्रॉम माई साइड फॉर दिस टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैप्टर। द फर्स्ट वन वॉज इवलिन ग्लैनी एंड द सेकेंड वन वॉज बिस्मिल्ला खान। एंड रीड दिस टू चैप्टर, फाइंड द ऑल डिटेल्स एंड द एलिमेंट्स गिवन इन द चैप्टर। आई विल क्लेरिफाई योर ऑल डाउट्स इफ एनी। यू मस्ट पुट दोज डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन पुट द लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। होप एवरीथिंग इज क्लियर। हैव अ नाइस डे, एंजॉय लर्निंग।